तो चलिए हमारे घर। हाय हाय, इतना सुकून नहीं जाऊंगी, हम मम्मी के को बहू बन जाऊं, क्योंकि गेहूं काटने के लिए अभी गेहूं बहुत मैं खेत में बो रखा हूं। अच्छा। गेहूं काटने के लिए बन जाओ। नहीं आता है। अमेरिका में किसी बच्चा को जन्म होता है तो उसका दांत कौन सा कलर होगा? कुछ भी प्रैंक निकली, मैं खुद में प्रैंक कर रहा हूं भाई, तो उसे प्रैंक करवा रहा है। भाई मत बोलो, भाभी भाई मत बोलो। चलो देवर जी। हां क्या बोला तूने? चलो देवर जी, चलो देवर जी। हां वाह, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। हमारे कैमरा के आगे वो क्या कर रहा है पता है? देख रहे हो, घूम गया उधर। बहुत ही खच्चर है, बहुत खच्चर, इतना बदमाशी करता है कि मार के साले टांट नकली कर दूंगा, तेरी गंजी कर दूंगा। सारा घर को रिसेट मारा। रिसेट मारने का मतलब समझते हो? समझ गया। ये देखो, साफ किया पूरा को, यहाँ के पूरा बिस्तर को ही हटा दिया। ये देख रहे हो, खुशी में हमारा फोन का कवर लेके ऐसे ऐसे डोला रहा है। जा रहा है कहाँ जा रहा है सनी? तू ये नाना के भोज खाने जा रहा है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो का फुल मजा लीजिए, और मैं आप लोगों को इंटरटेनमेंट करवाता हूँ, ठीक है? तो करते रहिए। तो चलिए, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हमें इंडिया गेट आते ही ध्यान पड़ गया, तो यार बहुत अच्छा है। और ये क्योंकि नया बनाया गया है, पहले नहीं था और नया बना है, यानी कि बहुत दिन के बाद इंडिया गेट आया हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, फुल एंजॉय कीजिए। तो चलिए, अभी दूरी बहुत है, हमें दूरी ही जाना है, अभी करीबन 1 किलोमीटर है यार। तो चलिए, मिलता हूँ वहीं पर। हमें भी फोटो खींचे। हमारा, क्योंकि हमारा कैमरा सही नहीं ना। हमारा कौन सा सही है? आप अपने फोन से खींच दो ना। क्यों खींच दो ना, हमारा कैमरा सही नहीं है। हाई कर दो। कितने बनाओगे? चौथा बना चुके हम। चौथा बना लिए तो हमारे साथ पचमा हो गया। आपका नाम क्या है? रिंकी। एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा नाम है। चलिए हमारे घर। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। तो हरे के कोनिया बना ही दिए धान। नहीं जाऊंगी, हम मम्मी के को बहू बन जाऊंगा, क्योंकि गेहूं काटने के लिए अभी गेहूं बहुत मैं खेत में बो रखा हूँ। अच्छा। गेहूं काटने के लिए बन जाओ। नहीं आता है। तो चलिए, हाय कर दूंगा। भाभी नमस्ते। कौन है भैया आप? आपका फैन हूँ, आपका इंस्टाग्राम पे बहुत सारा वीडियो देखता हूँ। मेरा कौन सा वीडियो देखा? सही में भाभी, मेरा कौन सा वीडियो देखा? आपका ही देखा हूँ। क्या नाम से? नाम तो भाभी भुला गए। भाभी रील बनाते थे क्या? मतलब मैं ही मिला था प्रैंक करने के लिए। नहीं भाभी, प्रैंक करने के लिए मैं ही मिला। आपका नाम क्या है? क्यों बताऊं नाम क्या है? वीडियो बना कुछ भी प्रैंक करने के लिए, मैं खुद में प्रैंक कर रहा हूं भाई, तो उसे प्रैंक करवा रहा है। भाई मत बोलो, भाभी भाई मत बोलो। चलो देवर जी। हां क्या बोला तूने? चलो देवर जी। हां चलो देवर जी। हां ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। वाह, तो हाय कर दो भाभी। बाय देव। देवर जी का के दिल खुश कर दिए, टूटा था दिल लेकिन आप जुट गया। कोई बात नहीं, जुट गया वरना जॉब करना मैं दोबारा तोड़ूंगी। नहीं नहीं, तोड़ना नहीं। आ जाए तो गाइस, यहां पर भी कमर लचलच हो रहा है। यहां पर भी कमर लचलच हो रहा है भोजपुरी गाना पे। कौन है ये? हमरा ओहे लड़की चाहे माई रे, हमरा ओहे लड़की चाहे। अब भाभी आपसे ही पूछता हूं, सुनता हूं कि भाभी के पास बहुत सारा दिमाग होता है, तो आप बताइए, अगर अमेरिका में किसी बच्चा को जन्म होता है तो उसका दांत कौन सा कलर होगा? क्या दांत नहीं होगा? चलो आप बच्चा होता दांत होता। हाँ, तो आपका आंसर सही आ गया। तो चलो
वैसे में आपका नाम क्या है? सोनिया। वो बहुत अच्छा नाम है और सोनिया नाम है, आप क्यूट भी बहुत अच्छे हो। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हाय कर दो आप एक बार। हाय। जलवा है हमारा भाई, हम बवरिया तो हर नैना है। तो गाइस आज ना हम लड़कियां को गिनेंगे कि कितने लड़कियां इंडिया गेट पे आई है। तो चलिए अब हमारा काउंटिंग शुरू हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस 17 मन झूमे नाची गावे जब तो हरा के पावे। लड़कियां को गिनती कर रहा हूँ कितने लड़कियां इंडिया गेट पर आई है, वो सब गिनती कर रहा हूँ। सॉरी 119। वाओ इनके लगा के 120 लड़कियां इंडिया गेट पर आ गई। मैं गिनती कर रहा हूँ, गिनती हो ही नहीं रहा। 120, 21, 100 गिन रहा हूँ कि कितने लड़कियां इंडिया गेट पर आई है, सबको गिन रहा हूँ। 120 गिन लिया मैंने, तो चलिए और गिनते जा रहा हूँ और आगे हमें गिनना है, ठीक है। 120, 21, 22, 21 बहन डर गई, बहन डर गई। 21 पर से कितना होता है? 22, 23। 123 इंडिया गेट पर आ गई। लड़की सब कितना लड़की आई है, तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे सबमिट। अब जो भी हो आप लोगों को एंटरटेनमेंट करवाने के लिए यहां तक आया और करवाया, क्योंकि भाई इंडिया गेट कितने दिन से बंद था, नहीं आ पा रहा था 26 जनवरी की वजह से, तो आज खुल गया, तो आज आया और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करवा दिया। तो आप लोग एंटरटेनमेंट कीजिए। चलिए मिलता हूँ आप नए वीडियो के साथ।